हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, यानी कि वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। वेक्टर होता क्या है और क्या क्या प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, जैसे कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, उसके अंदर जो है कंट्रोल एलिमेंट होना चाहिए, उसका जो साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वरना टूट सकता है। तो ये चीज़ हम पहले पिछले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो हम बात करेंगे वो है, पहला है प्लाज्मिड। मैं बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में, फिर उसके बाद डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफाज, तीसरे नंबर पर है फैजमिड, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर है फास्मिड। ये है PHAGE, ये है PHASMID। फिर उसके बाद है कॉस्मिड, उसके बाद है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स में ही है यैक, बैक, हैक, मैक, पैक, ये सारे के सारे हैं। इनका यदि अभी पूरा नाम भी मैं बता दूंगा आपको। देखिए प्लाज्मिड, इनका जो मैं इनकी वो बता देता हूँ कि कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कि कितने केबी तक के, यानी कि कितना बड़ा डीएनए का टुकड़ा ये जो है, या जीन का टुकड़े को ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो होता है, हमने पढ़ा था कि 15 KB तक कैरी कर पाएगा। बैक्टीरियोफाज जो है वो लगभग 25 KB तक को कैरी कर पाता है। प्लाज्मिड होते हैं वो है लगभग 40 KB तक, किलो बेस तक के डीएनए फ्रेगमेंट को ये जो है कैरी कर पाते हैं। इसके बाद जो फैस्मिड है वो 10 KB तक को, और फास्मिड भी जो है PHAS, ये भी लगभग 15 KB तक को कैरी कर पाता है। आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लगभग 300 KB के टुकड़े को कैरी कर पाते हैं, यानी कि ये जो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये सबसे बड़े जो है डीएनए सेगमेंट को कैरी कर पाते हैं। अब बात करते हैं यैक, बैक, हैक, मैक और पैक क्या क्या है। यैक है यीस्ट, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, यीस्ट के जीनोम से लिया जाता है। बैक है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, हैक है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मैक है मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और पैक है P1 ड्राइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, P1 ड्राइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये कुछ जो है क्या कहते हैं, वेक्टर्स हैं जो कि जीन को कैरी करके ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं जो मुख्य तरह से हम पढ़ेंगे वो होंगे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, बैक्टीरिया फाज के बारे में भी पढ़ेंगे, फेज, फास, कॉस, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड जो है वो, यदि हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया था, तो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है वो ये होता है, और साथ में एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग पाया जाता है, वो होता है प्लाज्मिड, या कहें तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया का जो है, ये बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम से अलग जो है
एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये जो डीएनए है ये इंडिपेंडेंट भी पाया जा सकता है, यानी कि अलग भी मिल सकता है, और इंटीग्रेटेड, यानी कि ये इस क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसके साथ ये जुड़ा हुआ भी मिल सकता है, तो उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड जब ये होता है तो इसको बोलते हैं एपिसोम। जब प्लाज्मिड जो है क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच होता है तो उसको बोलते हैं एपिसोम, उसको उस स्थिति को कहेंगे इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डीएनए। ये जो है प्लाज्मिड 1 KB से लेकर 250 KB तक हो सकता है, यानी कि ये जो है छोटा से छोटा 1 KB का और अधिकतम 250 KB तक हो सकता है, इसका जो साइज है वो इतना हो सकता है। इकोलाई की बात करते हैं, इकोलाई में कई तरह के प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, उनमें मुख्य रूप से है एफ प्लाज्मिड। ये जो एफ प्लाज्मिड है ये कॉन्जुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्जुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आर जो प्लाज्मिड कुछ इकोलाई में मिलता है, वो जो आर प्लाज्मिड होता है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है। आर प्लाज्मिड जो होगा, एफ प्लाज्मिड जो होगा वो कॉन्जुगेशन के लिए, कॉन्जुगेशन हमें पता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। जब ये एफ प्लाज्मिड होगा तो जाके ये कॉन्जुगेशन हो पाएगा, यदि एफ प्लाज्मिड नहीं है किसी बैक्टीरिया में तो वो जो है कॉन्जुगेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आर प्लाज्मिड जिनमें ये, यदि आर प्लाज्मिड है तो ये क्या होगा, ये किसी विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक के लिए जो है रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि इसमें जो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जो है आर प्लाज्मिड है, तो इस बैक्टीरिया पर एम्फिसिलिन का कोई भी असर नहीं होगा, एम्फिसिलिन का कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉल प्लाज्मिड। ये जो कॉल प्लाज्मिड है एक प्रकार का टॉक्सिन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं कॉलिसिन। ये जो कॉलिसिन है ये सेंसिटिव इकोलाई को ये ग्रो होने से रोकता है, यानी कि यदि किसी बैक्टीरिया के अंदर कॉल प्लाज्मिड है तो वह उसके प्रति जो सेंसिटिविटी रखने वाले इकोलाई हैं उनको ये ग्रो होने से रोकता है। तो ये जो कुछ प्लाज्मिड्स हैं जो कि ये पाए जाते हैं। स्ट्रीन्स ट्रांसफर के लिए पहली बार जो प्लाज्मिड बनाया गया वो था PSC101। यहां P फॉर प्लाज्मिड, S फॉर स्टेनले और C फॉर कोहेन, यानी कि स्टेनले कोहेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये प्लाज्मिड जो है बनाया था, फर्स्ट प्लाज्मिड जो था वो ये था। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर है वो PBR322, P स्मॉल होता है, BR322। ये जो नंबर है 101, 322, 322, ये इनके स्ट्रेन है, अलग अलग स्ट्रेन के नाम है। पी फॉर वही प्लाज्मिड, बी फॉर साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर, और आर फॉर रॉड्रिग्यूज।
रॉड्रिग्यूज, ग्यूज जेड। तो ये बॉलीवर रॉड्रिग्यूज नाम के साइंटिस्ट, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ये तो एक ही साइंटिस्ट था स्टैनले कोहेन, ये बॉलीवर रॉड्रिग्यूज दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था। इसलिए ये भी पूछा जाता है कई बार, ये भी पूछा जाता है। सबसे पॉपुलर जो होता है PBR 322 है, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ लेते हैं कई बार। तो और यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कौन सा बना, तो फर्स्ट जो बना था PSC 101, ये बना था। फिर तीसरा है PUC, P फिर स्मॉल आएगा, PUC 8। P फिर मतलब, P का मतलब है प्लाज्मिड, UC का मतलब है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये बनाया था। तो इसलिए इसका नाम जो था PUC 8 रखा गया। अब बात करते हैं हम सबसे जो पॉपुलर है उसकी। पॉपुलर क्या है हमारे पास, वो है PBR 322। इसका हम डिटेल पढ़ेंगे। तो PBR 322 जो है वो एक सर्कुलर डीएनए है। यदि इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो सर्कुलर प्लाज्मिड है ये। सर्कुलर प्लाज्मिड है, ठीक है। इसमें दो जो है, दो रीजन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। एक तो है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस ये यहां से लेकर और यहां तक पूरा का पूरा ये क्या है, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है। और ये जो रीजन दूसरा बना रहा हूं ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वाला रीजन जो होगा वो पूरा पूरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस होगा। अब इसके अंदर दो जो है रेस्ट्रिक्शन, एक है PVU first और दूसरा जो है वो है PST first, ठीक है। दूसरी तरफ जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो हैं BAMH1, BAM H और 1, ठीक है, 1 साल 1। तो क्या है इसमें, एक तो दो दो तो रेजिस्टेंस साइट्स हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स हैं। कौन कौन सी, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, इसको लिख देता हूं एम्फिसिलिन, और ये है PBR 322 और ये है टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक हैं, एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। PVU जो होता है ये होता है प्रोटियस वल्गेरिस, प्रोटियस वल्गेरिस, प्रोटियस वल्गेरिस एक बैक्टीरिया है, उससे इसको आइसोलेट किया जाता है। इसलिए प्रोटियस, पी फॉर प्रोटियस और वल्गेरिस का मतलब है VU, वल्गेरिस। प्रोविडेंशिया, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, PROVIDENSIA, प्रोविडेंशिया, प्रोटियस PROTEUS, वल्गेरिस VALGARIS, वल्गेरिस। तो ये प्रोटियस वल्गेरिस से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको PVU1। ये है PST 1, प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई, ये फिर बैक्टीरिया है, इससे ये आइसोलेट किया गया है, इसलिए इसका नाम इस तरह से है, ठीक है। BAMH1 जो है बेसिलस, बेसिलस एमाइलो लिक्वी फेसियंस, इस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था, इस बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस। H1 जो है इसका स्ट्रेन है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो माइसिस एल्बस,
इसके द्वारा इसको सेपरेट किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं साल वन। तो क्या होगा इसमें, PBR-322 में एक तो दो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होगी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। दो इसमें एम्पिसिलिन के अंदर दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, कौन कौन सी है, PVU, ये है प्रोटियस वल्गरिस से आइसोलेट किया जाता है, और PSC-1 ये प्रोविडेंशिया स्ट्रेटाई से आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से टेट्रासाइकिल के अंदर BAM-H1 और SAL-1, ये दो जो है इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होती है, हम बता चुके हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होंगी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर एक जगह पर काम करता है, और वह जो होती है वो एक सीक्वेंस होती है। जैसे EcoR1 की बात करते हैं, EcoR1 ये भी एक क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और इसका जो होता है GAATTTC, ये इसकी जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो इसका होगा CTTAAG। ये इस तरह की सीक्वेंस को जो है पहचान कर और ये कट लगाता है। तो इसी तरह से इनकी अलग अलग साइट्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस को पर्टिकुलर पहचान कर उनको पहचान कर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वहां कट लगाता है। साथ ही पीबीआर में एक ओरिस साइट भी होती है, ओरिस साइट जो होगा वो रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट होती है। तो ये जो है पूरा PBR-322 की स्ट्रक्चर है। यदि आपका प्लाज्मिड का जो है आता है तो प्लाज्मिड के बारे में लिखेंगे आप, उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, उसको लिखेंगे, साथ ही इसकी जो है एक उदाहरण देके इसको समझा देंगे। अब दूसरा जो है वो है बैक्टीरियोफाज। अब जो दूसरा बात करते हैं हम बैक्टीरियोफाज की, बैक्टीरियोफेज, ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये वायरस होते हैं, और ये वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, यानी कि ये जो है बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करेंगे वो बैक्टीरियोफाज कहलाते हैं, ठीक है। जब वायरस बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है तो दो काम होते हैं, दो काम क्या होंगे, या तो वायरस का जो जीनोम है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। जब ये इंटीग्रेट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे लाइसोजेनिक। इस दौरान जो है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, लेकिन यह है इसकी मशीनरी का इस्तेमाल करके और बैक्टीरिया की सॉरी अपने जीनोम की बहुत सारी कॉपी बना ले, और वो एक्सप्रेस होकर छोटे छोटे वायरस बनाते रहते हैं। तो वायरस क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया सेल को बस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस दौरान जब जब बैक्टीरियोफाज इस पर आक्रमण करके और अपने जो है प्रोजेनी को या अपनी कॉपीज बना लेगा बहुत सारी और सेल को बस्ट कर देगा, तो उस दौरान वो जो साइकिल कहलाएगी वो कहलाएगी लाइटिक। तो दो तरह की है, लाइसोजेनिक और लाइटिक। जब उसका जीनोम इंटीग्रेट बैक्टीरियल जीनोम से इंटीग्रेट हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक, और जब वह बहुत सारे छोटे छोटे वायरस की कॉपीज बना ले और वह बैक्टीरिया सेल को बस्ट कर दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो उस जगह उसको कहेंगे लाइटिक साइकिल। तो ये जो है लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों, लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों जो है अवस्था दिखाता है। ये जो है 25 KB के सेगमेंट को कैरी करके ले जाने की क्षमता रखता है। बैक्टीरियोफाज का यदि हम वेक्टर लेंगे तो वो 25 KB तक के सेगमेंट को कैरी करके ले जाने की क्षमता रखता है। अच्छा, एक खास बात होती है इसकी, इसको लेने का कारण ये होता है, मतलब स्क्रीन करना इसको आसान होता है। कैसे आसान होता है, क्या होता है कि जब हम पेट्री डिश में बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, तो एक पूरे लेयर बन जाती है बैक्टीरिया की, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियल लॉन, उसको बोलेंगे। जैसे अपना लॉन होता है ना घास का मैदान, उसी तरह से बैक्टीरिया का
मैदान ये मान सकते हैं। इस लॉन में जहां जहां बैक्टीरियोफाज आक्रमण करेगा वहां वहां पैचेस बन जाएंगे। क्या होगा? जहां जहां बैक्टीरियोफाज ने जो है बैक्टीरिया पर आक्रमण किया है, तो वहां वहां क्या हो जाएंगे, एक बीच बीच में धब्बे धब्बे से हो जाएंगे, यानी कि वो जगह साफ हो जाएगी, या कहें तो घास वहां से उखाड़ लिया अपने सिंपल सी लैंग्वेज में, तो वो क्या कहलाएंगे, प्लाक, वो जो स्थान कहलाएंगे प्लाक। तो हमें आसानी से पहचान में आ गया कि यही बैक्टीरियोफाज वाले आक्रमण वाले बैक्टीरिया का बैक्टीरिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो है जीन ट्रांसफर हो गया होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इजीली उसको स्क्रीन कर पाएंगे, आसानी से उसको पहचान पाएंगे, ठीक है। इसके जो उदाहरण है वो है लैम्डा फाज और M13, ये दो जो है बैक्टीरियोफाज हैं जो कि ज्यादातर इस्तेमाल में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बैक्टीरियोफाज के बारे में। अब बात करते हैं कॉस्मिड, फाजमिड, फेजमिड, ठीक है। तो अब बात करते हैं कॉस्मिड। देखिए कॉस्मिड जो होगा वो क्या होगा, कॉस्मिड प्लाज्मिड से ड्राइव्ड होता है, यानी कि प्लाज्मिड से ही बना होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कॉस जो है कोहेसिव साइट्स पाई जाती हैं। कोहेसिव का मतलब होगा कि इसमें इस तरह के एंड पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग एंड्स। प्रोट्रूडिंग एंड्स क्या होंगे, इस तरह के एंड होंगे प्रोट्रूडिंग एंड, यानी कि वो आसानी से जो है चिपक सकते हैं, खुल भी सकते हैं चिपक भी सकते हैं, तो कोहेसिव साइट्स इसमें मिलेगी। तो जो प्लाज्मिड है उसके अंदर यदि कोहेसिव साइट्स हमने डाल दी हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सारे के सारे कॉस्मिड कहलाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं फाजमिड की तरफ, ठीक है। अच्छा, इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है कॉस्मिड की वो भी बड़ी होती है, यानी कि ये 40 KB तक के डीएनए को सेगमेंट को कैरी करके ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं फाजमिड पे। फाजमिड जो होता है उसमें प्लाज्मिड, ये भी प्लाज्मिड से ड्राइव्ड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ओरिसाइट होती है, लेकिन वो ओरिसाइट किसकी होती है, फाज की, ठीक है। यानी कि बैक्टीरियोफाज की जो है यदि ओरिसाइट है प्लाज्मिड के अंदर तो वो कहलाता है फाजमिड। अब आते हैं फास्मिड, FAS है ये, फास्मिड। अच्छा, ये जो फाजमिड है इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है कम होती है, 10 KB तक ही होती है। और फास्मिड की बात करते हैं, फास्मिड जो होगा उसमें लैम्डा फाज, उसके अंदर कोहेसिव साइट्स। देखिए यहां था प्लाज्मिड प्लस कोहेसिव साइट्स या कॉस एंड्स पाए जाएंगे, कॉस साइट। कॉस्मिड के अंदर प्लाज्मिड में यदि कॉस साइट्स हैं तो कॉस्मिड है, यदि लैम्डा फाज के अंदर कॉस साइट्स हैं तो वो फाजमिड है, और यदि प्लाज्मिड के अंदर ओरिसाइट्स हैं तो वो फेजमिड है। इसमें थोड़ा सा अंतर जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इन्हीं पर बनते हैं कि प्लाज्मिड के साथ यदि कॉस साइट्स हैं तो वह क्या होगा, फेजमिड, फास्मिड या कॉस्मिड, तो आपको बताना है उस समय कॉस्मिड। एक चीज और होती है, वो होती है फॉस्मिड। ये फॉस्मिड क्या होता है, फॉस्मिड जो होगा वो हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, कौन सा, बैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यदि उसके साथ कॉस साइट ऐड कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, फॉस्मिड कहलाएगी, ठीक है। इनमें अंतर समझ लेना, कॉस्मिड, फॉस्मिड, फेजमिड, फास्मिड। कॉस्मिड के अंदर प्लाज्मिड प्लस कॉसाइट, फास्मिड के अंदर प्लाज्मिड प्लस ओरिसाइट, फेजमिड के अंदर लैम्डा फाज प्लस कॉसाइट, और यदि बैक 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 है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ कॉसाइट है तो वो फॉस्मिड होगी। तो ये जो है अलग अलग तरह के, जैसे हमने एक प्लाज्मिड तैयार कर लिया, फिर उन्होंने एक बैक्टीरियोफाज को खोज लिया, अब उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज चेंज कर सकते हैं,
किसी में जो है कॉस्टाइड बैक्टीरियोफाज के अंदर लगा दी, किसी में जो है प्लाज्मिड के साथ लगा दी, किसी में जो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के साथ लगा दी। तो ये जो है अलग अलग जगह लगाकर और इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। अच्छा, इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा कर दी। फिर जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम है लगभग हम 300 KB तक, या जितने भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 300 KB तक के जीन को कैरी करके करने की क्षमता रखते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाया है और बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ाया है। एक जो जो चीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से आनी चाहिए वो सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। जैसे कि प्लाज्मिड में क्या क्या होना चाहिए, एक तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस साइट्स भी होनी चाहिए, ओरी साइट्स होगा, एक हमने PBR 322 का देख लिया एग्जाम्पल। इनका जो नामांकन कैसे किया गया ये भी हमने पता कर लिया कि PBR में P जो है कैंडिडेट करता है प्लाज्मिड को, B जो है बॉलीवर को, R फॉर रोड्रिग्यूस को, ठीक है। इसी प्रकार से PUC वो है प्लाज्मिड है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ठीक है। स्टैनले कोहेन PSC 101, वो स्टैनले कोहेन पहली बार कौन सा खोजा गया था, PSC। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरा आप यदि वीडियो देखोगे तो आपके बहुत सारी चीजें समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।